महानिदेशालय व राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर द्वारा आज अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद NFAC फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपस्थित थे। अग्निशमन सेवाएं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक द्वारा स्वागत भाषण किया गया, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के हाथों अग्निशमन सेवाएं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसके बाद पुस्तक विमोचन किया गया। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के हाथों बी फाइनल इंजीनियरिंग के मेधावी छात्रों को पदकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का संबोधन पर भाषण किया गया। महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक द्वारा मोमेंटो प्रस्तुत किए गए। श्रीमान RM क्षीरसागर निदेशक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा विद्यालय, श्री मोरेश्वर जी उप अग्नि सलाहकार, महाविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रेस एवं मीडिया के सभी मित्रगण और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले समस्त वीर व उनके परिवार जनों को मेरा नमस्कार। आप सब एक महत्वपूर्ण अलंकरण समारोह में हैं। निश्चित रूप से जब कोई भी संस्था किसी को प्रशिक्षण देती है और जब वह इस काबिल होता है तो निश्चित रूप से उस संस्था का मान गौरव बढ़ता है। ताजे संसाब तो हैं, हम इनको देखें, इनकी वीरता को और काम करने की जो इनकी कौशल है, कुशलता है। संयोग था कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। बड़ी बड़ी परिस्थितियों में इन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्य कुशलता का परिचय देकर विधि व्यवस्था बनाए रखने में और आपदा के प्रबंधन में भी जितना इन्होंने योगदान दिया था, तो आज लगता है कि महानिदेशक हैं और एक महत्वपूर्ण संस्था के महानिदेशक हैं, तो निश्चित रूप से लगातार सफलता इस संस्था को मिल रही होगी। और मेरी जानकारी में बहुत बातें आती है, उसके हिसाब से मिल भी रही है, आगे भी मिलती रहेगी। यह पदक अग्निशमन सेवा नागरिक का सुरक्षा और होमगार्ड के बहादुरों को बहुमूल्य सेवाओं हेतु दिया जाता है। सेवाएं आपकी इतनी बहुमूल्य है कि जितना ही उसकी तारीफ की जाए उतना कम होगा। और इन संस्थाओं के बहादुर अधिकारियों ने, जवानों ने जिस प्रकार की बहादुरी से बड़े बड़े आपदाओं को, अग्निशमन से लेकर फायर की परिस्थितियों में और देश के विभिन्न आपदाओं में भी जो इन आपका योगदान है, कहने के लिए तो अग्निशमन है लेकिन आपसे जब काम लिया जाता है तो विभिन्न आपदाओं में लिया जाता है। कोविड के समय भी आपने जिस बहादुरी से काम किया है, जो काफ़ी सराहना पूरे देश ने किया है, अपने जान को जोखिम में डालकर आपने मानव की सेवा में हमेशा अपनी तत्परता की प्रकाष्ठा दिखाई है। महोदय, महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक की स्थापना 17 नवंबर 1962 को गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। 20 फरवरी 2014 को महानिदेशालय अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के रूप में फिर से नामित किया गया था। ये कार्यालय गृह मंत्रालय की ओर से नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षकों और अग्निशमन सेवाओं की स्थापना, प्रशिक्षण और उपकरणों से संबंधित नीति तैयार करने, समन्वय करने, पर्यवेक्षण करने और दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करता है। ये अग्निशमन सेवाएं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक के संगठनात्मक मामलों में राज्य सरकारों, केंद्र मंत्रालयों को भी सलाह देता है। होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लिए महोदय अक्टूबर 1974 में दो प्रकार के शौर्य पदक और दो प्रकार के सेवा पदक गृह रक्षकों और नागरिक सुरक्षा के लिए माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा स्थापित किए गए थे। वीरता पदक वीरता के लिए माननीय राष्ट्रपति का होमगार्ड और सिविल डिफेंस मेडल, वीरता के लिए होमगार्ड और सिविल डिफेंस मेडल, सेवा पदक
विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति का होमगार्ड और सिविल डिफेंस मेडल और मेघावी सेवा के लिए होमगार्ड और सिविल डिफेंस मेडल। इसी प्रकार फायर सर्विस के लिए अक्टूबर 1975 में दो प्रकार के शौर्य पदक और दो प्रकार के सेवा पदक गृह रक्षकों और नागरिकों की सुरक्षा। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।